दावत देना, इनवाइट करना। हक में हमेशा जैसे आपकी स्कीम में तो दूसरा लिखा है, मैंने सिर्फ मैं आपको तरीका समझा है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही को अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ तरीका बता रही हूँ। शादी में दावत के लिए खत लिखे, शादी हो, सागरा हो या जन्मदिन का होता है तो हम क्या करते हैं, दावत देते हैं। जैसे कि क्लास वर्ड उर्दू एड्रेस, कौन सी एड्रेस जहाँ हम रह रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ स्कूल की एड्रेस लिखकर दिखा रही हूँ। प्रिंस टाउन, कासमाबाद, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद हम तारीख आज कौन सी है वो लिखेंगे, जैसे कि आज की तारीख 1 दिसंबर 2020, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम किसको पत्र लिख रहे हैं, प्यारे दोस्त, अपने दोस्त का नाम या सहेली का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है, अपने दोस्त या सहेली का नाम लिखे। उसके बाद हम लिखेंगे असलम, जब भी हम किसी के घर में जाते हैं या फोन करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, सलामी करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ खैरें पूछते हैं ये लोग के बाद, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैध अर्थ है कि यहाँ सब खैरियत थे, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। फोन करते हैं या किसी घर जाते हैं तो पहले मेल मिलाप होता है, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि कल मेरे भाई की शादी है, दावत क्या है, शादी में दावत की तो भाई की शादी है, आपकी शिरकत में आपको आना जरूरी है, हमारे लिए 22 फखर होगी, मैं हमें आप पर फखर होगा कि आप उस शिरकत की है शादी में। वसलाम, आपका दोस्त या सहेली नाम होना जरूरी है, मेरे दोस्त आयब जी, अलिफ बे जी, आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया खत, खत का तरीका मैंने आपको बताया, समझाया अच्छी तरह से। सवाल है, इसम किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं, इसम किसी भी नाम को कहते हैं, चाहे वो जानदार चीज हो चाहे वो बेजान चीज। जानदार चीज मीन जैसे इंसान, इंसान का नाम क्या है, अली, ठीक है, अली हो या कोई और नाम हो। बेजान चीज कौन सी है, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब बेजान चीज है, ठीक है, उसी के नाम होते।